दोस्तों, अगर आप लोगों के पास भी Amazon Associate की साइट से मेल आया हुआ है, Your application has been rejected, तो ये मेल क्यों आया हुआ है और क्यों आपका अकाउंट को क्लोज या सस्पेंड किया गया है, आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देंगे। उससे पहले आपको दिखाना चाहूंगा, आप ये कंप्लीट मेल देख लीजिए। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये Amazon की साइट से मेल आया हुआ है जिस पर लिखा है Your application has been rejected, technical surgery, और ये लिखा हुआ है Amazon Associate, और देख सकते हैं लिखा हुआ नीचे हेलो टेक्निकल सर जी, ये मेरी आईडी का नाम था वो दिया हुआ है ना, बी वी नाउ रिव्यूड यूर एप्लीकेशन टू द एफिलिएट प्रोग्राम, अनफॉर्चुनेटली इट डिड नॉट मीट अवर प्रोग्राम रिक्वायरमेंट, हैज रिजल्ट, ये सब कुछ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, है ना। आपने कुछ वायलेशन किया हुआ है जिसके कारण आपका अकाउंट को सस्पेंड या क्लोज कर दिया गया है, इन्होंने मेरे चैनल की लिंक दी हुई है यहाँ पे। तो ये मेल क्यों आया आपको हम बताएंगे इस वीडियो में, कभी देखते रहिएगा। दोस्तों, अब आपने मेल तो देख ही लिया होगा, और अगर आप बाकी में Amazon पे काम करना चाहते हैं और Amazon के माध्यम से कुछ पैसे कमाना चाहते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका लाइफ में कभी भी Amazon का अकाउंट सस्पेंडेड या क्लोज ना हो, तो आपको किन बातों का ख्याल रखना होगा। दोस्तों, ये गलती मैंने भी कई बार की हुई है और दो बार मेरा अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है Amazon की साइट से, और मेरे अकाउंट में दोस्तों कई सारे कुछ पैसे भी थे, ज्यादा मतलब ज्यादा नहीं थे, थोड़े पैसे भी थे, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि जो गलती मैंने की है या उन लोग करते हैं वो आप करें और आपका जो Amazon में जो अर्निंग की हुई है उसको पूरा गवा दें, मतलब कि खो दें। तो आज मैं आपको ऐसे कुछ तरीके बताने वाला हूँ जिनको अपना के आप अपने Amazon अकाउंट को सस्पेंड होने से बचा सकते हैं, और कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिनको करके आप अपने Amazon अकाउंट को सस्पेंड करवा देते हैं, तो वो गलती आपको नहीं करना कभी भी। चलिए आपको हम बताते हैं विस्तार से। दोस्तों, सबसे पहले जब भी आप Amazon का अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको 180 दिन मतलब कि समथिंग 3 महीने के अंदर आपको Amazon Associate अकाउंट से जो आपका अफिलिएट मार्केटिंग वाला जो अकाउंट होता है ना, उससे कम से कम आपको 2 से 3 प्रोडक्ट सेल करवाना ही होंगे। दोस्तों, अगर आप सेल नहीं करवाते हैं तो आपका Amazon का जो अकाउंट होता है Associate वाला, वो मतलब बंद कर दिया जाता है Amazon की साइट से। उसके अलावा सबको बताना चाहूंगा, कई लोग क्या करते हैं ऑटो पोस्ट के माध्यम से, कुछ एक सॉफ्टवेयर होते हैं, मैंने उनकी वीडियो बनाई हुई है, तो क्या करते हैं ऑटो पोस्ट से फेसबुक पर करना चालू कर देते हैं, अपने इंस्टाग्राम पर करना चालू कर देते हैं ऑटोमेटिकली, तो वो भी नहीं करना। और सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो मेरे साथ हुआ हुआ है, कई जगह लोग क्या करते हैं, मान लीजिए किसी ने एक वीडियो बनाई कैमरे की, भाई कैनन का एक कैमरा है, उसका रिव्यू करा और उसके नीचे वो वीडियो लिंक दे देते हैं, तो आपको करना क्या है, मान लीजिए कई लोग क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट होता है Amazon पर कोई उसकी जो लिंक वहां से मिलती है उसके बाद वो लिंक डालते जाते हैं, साथ में जो Amazon ने जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है पूरे जो लिख के दिया हुआ है, इसमें जो फीचर है वो फीचर डिटेल वगैरह पूरी एग्जैक्ट मतलब सेम टू सेम वही का वही कॉपी करके अपनी YouTube वीडियो के नीचे डाल देते हैं या अपनी वेबसाइट या ब्लॉग पे उसको डाल देते हैं। इसके कारण से क्या होता है कि आपका जो Amazon का अकाउंट होता है वो एक तरह से सस्पेंड हो जाता है, Amazon नहीं चाहता उसकी जो जो उन्होंने लिखा हुआ रिल दी हुई है कि वही के वही आपको इस्तेमाल करें। अगर आपको डालना है तो आप भाई सिंपल ले सकते हैं, मान लीजिए आपने कैनन कैमरा की एक रिव्यू वीडियो बनाई हुई है और आप चाहते हैं कि Amazon के माध्यम से उसको बेचें, तो आप सिंपल लिख दीजिए कैनन कैमरा वायल लिंक Amazon लिख के आप उसकी लिंक डाल सकते हैं, आपको सेम का सेम उसका पूरा जो लिखा हुआ डाटा आपको वो नहीं उठाना, इसमें ये फीचर है वो फीचर है ऐसा कुछ भी मत लीजिएगा। अगर आप लिखना चाहते हैं बाकी तो आप अपने खुद की लैंग्वेज के हिसाब से लिख सकते हैं, आपको सेम टू सेम Amazon की वेबसाइट से नहीं लेना है, पहली गलती तो ये होती है। दोस्तों, अब दूसरी की बात करते हैं, कई सारे लोग क्या होते हैं कि अपने यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में अपनी ब्लॉगर्स वेबसाइट या वर्ल्ड वेबसाइट करते हैं Amazon पे जो फोटो लगे हुए जो फोटो वहां पे लगे हुए हैं सेम के सेम फोटो को अपनी वीडियो के थंबनेल में अपनी वीडियो में दिखा देते हैं या अपनी वेबसाइट में दिखा देते हैं, जिसके थ्रू दोस्तों क्या होता है अकाउंट कई सारे सस्पेंड हो जाते हैं। जो Amazon की जो गाइडलाइंस में स्पष्ट लिखा हुआ है और मेरा भी इसी कारण से हुआ हुआ है एक बार, तो आपको बता रहा हूँ कि ऐसी गलती नहीं करना है, आपको Amazon की फोटो भी इस्तेमाल नहीं करना है। और तीसरी और सबसे बड़ी गलती उसको क्या होती है, क्या होता है कई सारे लोग जैसे कि मान लीजिए Amazon की जो एसोसिएट अकाउंट होता है उस पर जाके मान लीजिए कोई प्रोडक्ट देखना है, मान लीजिए मोबाइल देखा और मोबाइल की लिंक को वो शेयर करना चाहते हैं, तो होता क्या है जब वो लिंक जनरेट करते हैं, जनरेट करने के साथ क्या होता है दोस्तों काफी लंबी लिंक आती है, मतलब बहुत सारा हाउ बिलो लिखा होता है, तो वो क्या करते हैं उस लिंक को कॉपी करके किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाके उसको शॉर्ट लिंक कर लेते हैं, मतलब जैसे कि ZAGL हुआ, Adfly हुआ, गूगल शॉर्टनर हुआ, कई सारी वेबसाइट होती है जो बड़ी लिंक को छोटा कर देती है, तो कई सारे लोग क्या करते हैं Amazon की दी हुई लिंक को वहां से उठाते हैं उसको शॉर्ट लिंक करके और फिर दोस्तों शेयर करते हैं, तो उससे भी दोस्तों क्या होता है अपना अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। अगर आपको बाकी बड़ी लिंक दिख रही है तो Amazon का एक फीचर है, जब भी अगर आप कोई लिंक को जनरेट करते हैं, जनरेट करने के साथ दोस्तों होता क्या है कि वहां पे एक Amazon की फीचर दिया हुआ है शॉर्ट लिंक का, आप उस पर क्लिक करेंगे तो जो आपकी लंबी लिंक है वो ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाएगी, उसको आप शेयर कीजिएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का Amazon की लिंक में उपयोग करते हैं दोस्तों, आपका डेफिनेटली अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो सबको बताते हैं चौथा जो पॉइंट है आपको ध्यान रखना है, कई सारे लोग होते हैं क्या सोचते हैं भाई
कि अपना जो प्रोडक्ट है 3 महीने का टाइम है, अपन मोबाइल में उसको मतलब शॉर्ट लिंक करेंगे अमेजोन से, मतलब प्रोडक्ट का लिख लिया, उसके बाद कहेंगे दोस्तों कि अपने फ्रेंड है घर में फैमिली मेंबर से या जो भी दोस्त है या जो भी है उनसे बोलते भाई ये प्रोडक्ट ले लो, तो वही मान भी आते हैं, उसके लिंक को रहते हैं अपने व्हाट्सएप के माध्यम से या अपने टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से भी उस लिंक को शेयर कर देते हैं, जिससे दोस्तों होता क्या कि आपको हैंड टू हैंड पता नहीं चलता, लेकिन कुछ टाइम बाद अमेजोन उस चीज को पता कर लेता है भाई अपने अपनी लिंक को खुद अपने व्हाट्सएप के माध्यम व्हाट्सएप से या अपने टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से लोगों को शेयर किया हुआ है। उस कारण दोस्तों होता है कि आपका जो अमेजोन का अकाउंट होता है वो सस्पेंड कर दिया जाता है। अब दोस्तों आते हैं भाई अमेजोन का लिंक शेयर नहीं करेंगे होगा, तो एसोसिएट अकाउंट जो बनता है उसका जो मतलब होता है कि सिंपल अपनी जो अमेजोन की लिंक होती है उसको अपनी अपनी वेबसाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं या अपनी यूट्यूब की वीडियो के इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खुद उसको अपने व्हाट्सएप के माध्यम से या अपने टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से कहीं भी शेयर मत कीजिएगा। अगर ऐसा करेंगे तब भी दोस्तों आपका अमेजोन का जो अकाउंट है वो क्लोज या सस्पेंड हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे बड़े पॉइंट की, होता क्या है, तो मान लीजिए भाई मेरे को ही कोई महंगा प्रोडक्ट लेना है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है 10-15 हज़ार रुपए का, पांच कोई मतलब छोटे छोटा प्रोडक्ट या बड़े से बड़ा कोई प्रोडक्ट होता है मान लीजिए, तो भाई कई लोग क्या करते हैं भाई सोचते हैं चलो अपन खुद अपना अकाउंट है अमेजोन पे, एसोसिएट अकाउंट है अपना, तो भैया पहले उनकी वेबसाइट पे जाएंगे अकाउंट खोलेंगे प्रोडक्ट को सर्च करेंगे उसकी लिंक जो आएगी अपने को वो उसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने में उसको करेंगे अपनी खुद की आईडी से या अपने खुद ही उसी मोबाइल से या अपने खुद की आईपी एड्रेस से कुछ भी मान लीजिए खुद उस प्रोडक्ट को वहां पे क्लिक करके वो बाय करेंगे, सोचते हैं भाई इसका जो भी कमीशन बनेगा वो किसी और को जाने की बजाय अपन को खुद मिल जाएगा। उस कारण से होता क्या है कि आपका जो अकाउंट होता है वो सस्पेंड कर दिया जाता है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपको खुद के बनाए हुए लिंक से कभी भी कोई भी प्रोडक्ट को परचेस नहीं करना है, पहली चीज ध्यान रखिएगा। दूसरी, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे हैं और रिव्यू के साथ अगर आप उसमें Amazon affiliate marketing की लिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको आपको लिंक इस्तेमाल करना, उसके अलावा आपको कोई भी जानकारी Amazon से नहीं लेना है, जो भी लिखा हुआ फीचर्स वगैरह जानकारी दी हुई है कुछ भी नहीं लेना है, आपको लिंक का इस्तेमाल करना है, उसके अलावा ना ही आपको Amazon किसी भी फोटो का इस्तेमाल करना है, सोचो कि मैं एक फोटो दिखा दूंगा मेरी वीडियो में थंबनेल में लगा दूंगा, तब भी उसको आपको इससे बचना है। और चौथा, आपको अपनी बनाई हुई लिंक कभी भी अपने दोस्तों यारों के साथ कभी भी शेयर नहीं करना है, ना ही अपनी फैमिली मेंबर साथ शेयर करना है, और कभी भी आपको अपनी Amazon जो एफिलिएट मार्केटिंग की लिंक होती है उसको कभी भी आपको किसी थर्ड पार्टी से शॉर्ट लिंक नहीं करना है। अगर आप ये गलती करेंगे दोस्तों तो आपका जो Amazon का अकाउंट है वो भले ही अभी नहीं कुछ दिन बाद सस्पेंड जरूर कर दिया जाएगा, और जिससे आपको काफी पछतावा होगा कि भाई अपने अगर मान लीजिए कि 1 महीने में 10-15 प्रोडक्ट भी सेल करे होंगे तो पूरी अर्निंग आपकी बेकार चली जाएगी, पूरी मेहनत आपकी बेकार जाएगी। इसलिए आपको हमेशा दोस्तों इस चीज़ को ध्यान रखना है जो मैंने बताया हुआ है। और दोस्तों मेरे साथ ये चीज 2-3 बार हो चुकी है और मैं तो काफी पता कराऊंगी गाइडलाइन पड़ी, और तब जाके दोस्तों मुझे ये चीज का पता चला कि भाई ऐसी ऐसी गलती करने के कारण ही मेरा अकाउंट जो है 2 बार सस्पेंड हुआ है, टर्मिनेट हुआ है, क्लोज हुआ, जो भी मान लीजिए। आपको ये गलती कभी नहीं करना दोस्तों। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो में जो बताई मैंने जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज मैं आपसे जो निवेदन करूंगा इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, आने वाले टाइम में कोई ऐसी सारी वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों मिलेंगे इस वीडियो में, जय माता दी।